तो यहाँ पे हमारा आउटलाइन थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाया, तो लगभग मैं कंप्लीट करके रखा था गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों को आउटलाइन थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। और ये वाला ड्राइंग करने के लिए मैं जो कलर का यूज़ करूँगा, आप लोग थंबनेल में पहले ही देख चुके हो, मैं ब्रश पेन का कलर का यूज़ करूँगा। तो किस तरह से आप लोग ब्रश पेन का कलर का वाटर कलर तरह से यूज़ कर सकते हो, एंड डिजिटल आर्ट टाइप्स स्मूथ कलर जो करते हैं, तो डिजिटल आर्ट में तो उसी तरह का आज ड्राइंग करने का कोशिश करूँगा गाइस। तो यहाँ पे ये रहा डॉम्स कंपनी का ये वाला कलर जो कि मैं यूज़ करूँगा। और आप अगर ये वाला कलर को पहली बार अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ किसके ऊपर में रख के मैं कलर को मिक्स करूँगा। इसके पहले मैं दिखा देता हूँ ये वाला ब्रश का मैं यूज़ करूँगा ये वाला ड्राइंग करने के लिए। तो ये डॉयल कंपनी का है ब्रश। तो जैसे कि मैं कलर को कहाँ पे रखता हूँ और किस तरह से कलर को अप्लाई करता हूँ, वो सारा ट्रिक्स आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे गाइस। तो थोड़ा सा मैं वाटर ले लिया हूँ। तो कलर को अप्लाई करने के पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो कलर है पेन टाइप का, तो कलर को हम लोग इसी प्लास्टिक के ऊपर में कलर को थोड़ा सा देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके कलर को यहाँ पे देकर फिर से मैं ब्रश का यूज़ करते हुए कलर को वाटर कलर टाइप्स का करूँगा। तो इसी तरह से कोई भी प्लास्टिक के ऊपर आप लोग कलर को पहले इस तरह से ले लेना। और इसके बाद में क्या टिप्स आप लोगों को देता हूँ, तो वीडियो को देखते जाओ गाइस। तो कलर को लेने के बाद में ब्रश को थोड़ा सा पानी में भिगाया हूँ, उसके बाद में कलर थोड़ा सा लेकर यहाँ पे ड्राइंग पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो वाटर का ज़्यादा यूज़ करना गाइस। I do it all for you. Every day's feelings overdue.
फाइनली आज का ड्राइंग कंप्लीट हो गया है और इसे मैं शायद बहुत ही अच्छे तरह से नहीं कर पाया हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो, और प्लीज़ एक लाइक कर देना वीडियो को। और डिजिटल आर्ट अगर आप लोग करना चाहते हो तो आपके पास शायद ही पैसा नहीं है कि टैब खरीदो बहुत ही दाम देकर, तो आप लोग अगर ये वाला कलर का यूज़ करती हो, ड्राइंग करते हो, तो आप लोग देखे हो मेरे ड्राइंग पे कि जो स्मूथनेस आता है, जो डिजिटल आर्ट करते वक्त स्मूथनेस आता है, तो वो स्मूथनेस ये वाला ड्राइंग पे आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किया हूँ। तो आप चाहे तो डिजिटल आर्ट कर सकते हो ये वाला कलर का यूज़ करते हुए। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ गाइस, मेरा नेक्स्ट एपिसोड, मेरे पहली वाला वीडियो का जो पार्ट टू आने वाला था तो शायद वही आएगा। तो आप लोग अगर पार्ट वन नहीं देखे हो ये वाला वीडियो की, पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ तो वाला वीडियो जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आप लोग चाहते हो कि मैं आउटलाइन ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊँ, तो आउटलाइन करके मैं वो वाला पार्ट वन पे दिखाया हूँ, तो जाकर वो वाला वीडियो देख लेना। वीडियो पार्ट टू का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पार्ट वन देख के रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।